उस अंश की भी चर्चा करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट में शिक्षकों की जो पोस्टिंग होगी वो कैसे होगी, महिला की पोस्टिंग कैसे होगी, दिव्यांग की पोस्टिंग कैसे होगी, पुरुष शिक्षकों की पोस्टिंग कैसे होगी, साथ साथ जो 40 वर्ष से अधिक उम्र के शिक्षक हैं उनके लिए क्या विकल्प मिलने वाला है और 40 से कम उम्र के शिक्षकों को क्या विकल्प मिलने वाला है। इन तमाम बिंदुओं पर आज हम लोग पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ साथ मैंने यह भी कहा था कि आप लोग के जो भी प्रश्न होंगे मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, तो मैं उन सारे प्रश्नों को लेकर भी आज आपके सामने में हाजिर हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि पोस्टिंग कैसे करेंगे, विभाग द्वारा सभी शिक्षकों को 3 विकल्प मिलेंगे या नहीं, वर्तमान ब्लॉक में पोस्टिंग नहीं होगी, महिला दिव्यांग और बुजुर्ग को राहत है, 2 ब्लॉक और 8 विद्यालय का विकल्प मांगा जा सकता है और पति पत्नी को एक ही ब्लॉक मिलेगा। इन तमाम बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, आज डिटेल में चर्चा करेंगे। मैंने कहा था कि मेरे पास कुछ बिंदु सुबह में आए थे, कुछ बिंदु अभी शाम तक आ चुके हैं, तो मैं इस दोनों बिंदुओं की चर्चा करूंगा जो कमिटी के रिपोर्ट का ही अंश माना जा रहा है। साथ साथ हम आज चर्चा करेंगे बहुत सारे प्रश्नों पे कि क्या मेरिट के आधार पे पोस्टिंग होगी, क्या पुरुष शिक्षक को ब्लॉक का विकल्प मिलेगा, 40 से कम उम्र के शिक्षकों का क्या दोष है, 40 से अधिक उम्र के शिक्षक को ब्लॉक का विकल्प मिलेगा या नहीं मिलेगा, दिव्यांग असाध रोग से पीड़ित को ब्लॉक का विकल्प मिलेगा या विद्यालय का विकल्प मिलेगा, पति पत्नी को एक ही ब्लॉक मिलेगा या एक ही पंचायत या एक ही विद्यालय मिलेगा, पोस्टिंग की प्रक्रिया कैसे और कब तक होगी, इन तमाम बिंदुओं पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि इस पोस्टिंग नियमावली में क्या ट्रांसफर के लिए भी कोई सुविधा आ रही है, वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दी है या वैसे बीपीएससी शिक्षक के लिए जो काफी दूर पोस्टेड है, क्या उनके लिए कोई सुविधा इस हस्तांतरण रिपोर्ट में है या नहीं है, तो उन तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी साथी नए हैं, ताकि आपको सारा खबर मिलता रहे, और साथ साथ इस चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि ये बातें सरकार तक भी पहुंच जाए, कि मेरे प्रयास रहेगा कि सभी शिक्षकों का जो पोस्टिंग हो वो 15 किलोमीटर के अंदर, उनको ग्रह ब्लॉक से 15 किलोमीटर के अंदर पोस्टिंग हो, तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए ताकि यह बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का डिमांड कर सके कि 15 किलोमीटर के अंदर में सभी शिक्षकों का पोस्टिंग हो। चलिए सबसे पहले आज सुबह वाली चर्चा कर लेते हैं। मैंने कहा था मैं आऊंगा शाम एक बार लाइव जिसमें पूरी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का जो अंश है जिसके बारे में मैंने सुबह भी कहा था, फिर अगले अंश की चर्चा करेंगे कि 40 वर्ष या उससे कम उम्र के शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक, सुदूर एवं दुर्गम स्थलों में अवस्थित विद्यालयों में पदस्थापित किए जाने का, इस पर हम सुबह भी बोले थे कि जो 40 वर्ष या उससे कम उम्र के हैं उनको हो सकता है कि नजदीक में जिला मुख्यालय में ही दिया जाए, चलिए, या सुदूर एवं दुर्गम स्थल को उपयुक्त कंडिका क के क्रमांक 1 और 2 के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक देने वाले विशेष श्रेणी के शिक्षक का एवं 40 वर्ष से अधिक उम्र वाले शिक्षक विकल्प में यदि इन क्षेत्र का विकल्प देते हैं तो उनको भी अवसर दिया जाएगा। यह सुबह वाला लेटर है जो मैंने इसका पूरा क्लेरिफिकेशन किया था, जो नहीं देखे वो जाकर देख लीजिएगा। अब इसका दूसरा अंश जो आया है, इसका दूसरा अंश जो काफी इंपोर्टेंट माना जा रहा है, इस स्टेटमेंट को हम देखेंगे कि आखिर इस अंश में क्या कहा जा रहा है। चलिए ऐसे 1-2 दिन में पूरा फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा तो वो भी मैं आपके सामने में लेकर आऊंगा, फिलहाल आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। कंडिका ग के क्रमांक 1 से 4 तक के विशेष श्रेणी के शिक्षकों को छोड़कर महिलाओं के लिए अपने पदस्थापन के प्रखंड नगर निकाय को छोड़कर 2 प्रखंड एवं 8 विद्यालय का पदस्थापन हस्तांतरण हेतु विकल्प दिया जाएगा। गौर से देखिए क्या कह रहा है, 2 विकल्प और 8 विद्यालय किसके लिए, तो महिलाओं के लिए, मतलब महिलाओं के लिए 2 प्रखंड और 8 विद्यालय का विकल्प लिया जाएगा, लेकिन वो जो जिस प्रखंड में या जिस नगर निकाय में वो पोस्टेड हैं वो छोड़कर, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि आप जिस विद्यालय में हैं, जिस प्रखंड में हैं, उस प्रखंड में आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी, 2 प्रखंड मिलेंगे अगल बगल के और 8 विद्यालय का विकल्प देना होगा, उसी में आपका पोस्टिंग किया जाएगा। नेक्स्ट, दूसरे जिले से आए शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, विद्यालय अध्यापक को मात्र प्रखंड का नाम विकल्प के रूप में लिया जाएगा। अब देखिए विद्यालय अध्यापक, अब जो बीपीएससी से बहाल होकर आते हैं उनको विद्यालय अध्यापक कहा जाता है, जब उसकी भी चर्चा है तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपको जो दूसरे जिले के हैं उनको अपने जिले में अपने प्रखंड में दिया जाए, प्रखंड का अवसर मांगा जा सकता है। महिलाओं को पति के पदस्थापन के स्थान पर पति पदस्थापित विद्यालय को छोड़कर किया जाएगा। अब क्या जो पति पत्नी दोनों टीचर हैं, जो पति और पत्नी दोनों टीचर हैं, तो उनके लिए क्या है कि सेम विद्यालय नहीं है, दोनों को एक विद्यालय में नहीं दिया जाएगा, मतलब उसी ब्लॉक में दिया जाएगा। पति के विद्यालयों को छोड़कर जो 8 विद्यालय का ऑप्शन मांगा जाएगा उसमें उनकी पोस्टेड की जाएगी, उनकी उनके पोस्टिंग की जाएगी, क्योंकि स्पष्ट कह दिया है कि पति के पदस्थापित विद्यालय को छोड़कर, मतलब पति जिस विद्यालय में पदस्थापित है उस विद्यालय में आपको नहीं मिलेगा, उसके अलावा जो 8 विद्यालय का ऑप्शन मांगा जाएगा आपसे तो आप उसमें जा सकते हैं। खैर आगे देखते हैं, पुरुषों के लिए अपने पदस्थापन नगर निकाय को छोड़कर रेंडमलाइजेशन के द्वारा पदस्थापन किया जाएगा। सबसे दुखद स्थिति यही पॉइंट कहता है कि पुरुषों के लिए, और वो कौन से पुरुष, वैसे पुरुष, क्योंकि 40 वर्ष वालों के लिए तो मैंने कहा सुविधा दी गई है, अब यहां कह रहा है कि पुरुषों के लिए, मतलब जो 40 से कम उम्र के होंगे उनकी जो पोस्टिंग होगी वो कैसे होगी, तो बिल्कुल रेंडमलाइजेशन के द्वारा होगी। तो ये काफी
समस्या होगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक ही जिले में अगर एक छोर से दूसरे छोर को देखा जाए तो लगभग 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर का रेंज आता है। अगर रेंडमलाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो काफी दूर दूर पोस्टिंग होने की संभावना है। लेकिन अगर विभाग चाहे, अगर आप लोग थोड़ा सा चैनल को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो 15 किलोमीटर के अंदर में पोस्टिंग की संभावना बन जाए। क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से भी जो आप सुन रहे हैं उनसे भी अगर ये बात वहां तक पहुंचती है, अगर आप शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, जो संघ के पदाधिकारी हैं उन तक भी बात पहुंचेगी, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उन तक भी बात पहुंचेगी। तो वो प्रयास करेंगे कि सभी शिक्षकों को 15 किलोमीटर घर से 15 किलोमीटर के अंदर पोस्टिंग कर दिया जाए। इससे एक फायदा यही होता है कि आप देख सकते हैं गाड़ी वगैरह चलती है, बहुत ज्यादा दुर्घटना के शिकार होते हैं। हाल ही फिलहाल में आपने देखा कि पटना में जो एक अविनाश साथी थे वो क्या हो गए, गंगा में विलीन हो गए, अभी तक उनका लाश भी नहीं मिल पाया। तो ऐसी स्थिति हो जाती है, काफी एक दिन की बात तो नहीं है, प्रतिदिन ड्यूटी जाना। तो एक डिमांड किया जा सकता है कि 15 किलोमीटर के अंदर पोस्टिंग किया जाए, जिला के अंदर हस्तांतरण नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा किया जाएगा, जिला हस्तांतरण मुख्यालय द्वारा किया जाएगा। मतलब जो जिला के अंदर नियुक्ति और ट्रांसफर जो किया जाएगा वो किसके अंतर्गत, तो जिला हस्तांतरण मुख्यालय, मतलब जिला के अंदर ही सारे ट्रांसफर के काम किए जाएंगे। तो स्पष्ट है, मैंने एक एक बिंदु को अब तक रखा है। अब कुछ प्रश्न है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। सभी साथी चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में भेज दीजिएगा, ताकि यह मांग शिक्षकों की जो एक मांग है कि पोस्टिंग 15 किलोमीटर के अंदर कर दिया जाए, महिलाओं को अपने होम पंचायत में कर दिया जाए, सरकार इस बात को गंभीरता से ले। क्योंकि सरकार कह भी रही है कि हम शिक्षकों की सुविधा को देखते हुए काम करेंगे, तो ऐसी स्थिति में अगर बात उन तक पहुंचती है तो एक सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है। चलिए अब आगे हम चर्चा करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं कि क्या मेरिट के आधार पर पोस्टिंग होगी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं जो कमिटी के रिपोर्ट का कुछ अंश प्रकाशित हुआ है, वैसे फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है, उसके रिपोर्ट आने के बाद में ही इसका सत्यता की पुष्टि हो पाएगी, फिर देखा जाएगा कि पोस्टिंग की प्रक्रिया कैसे होगी। लेकिन अभी तक जो खबर आया है तो आप कह सकते हैं कि मेरिट के आधार पर पोस्टिंग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि अब तो उम्र के सापेक्ष हो गई कि 40 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो आपको विकल्प दिया जाएगा, 40 से कम उम्र के हैं तो आपकी रेंडमलाइजेशन होगी, आप महिला हैं तो आपको दो ब्लॉक और आठ विद्यालय का विकल्प दिया जाएगा, अगर पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो पति के विद्यालय को छोड़कर आपको विकल्प दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं मेरिट जो है अब वो गौन हो चुका है। आप अपने एग्जाम में 100 लाए, 120 लाए, 140 लाए, अब उससे इस यहां पर कोई लेना देना नहीं समझ में आ रहा है। फिर क्या पुरुष शिक्षकों को ब्लॉक का विकल्प मिलेगा, तो अभी तक जो नियमावली का अंश आया है उसके हिसाब से जो 40 से कम शिक्षक है, 40 माइनस उम्र के शिक्षक हैं, उनके लिए तो अभी तक ब्लॉक के ऑप्शन का कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा समस्या यहां पर देखने को मिल सकता है। मैंने कुछ शिक्षकों से बात की और जब मैंने चर्चा की तो उनका एक ही डिसीजन था कि सर 40 से कम उम्र के शिक्षकों का क्या दोष है, परिवार माता पिता के बिना गुजारा कैसे होगा। क्योंकि 40 से कम उम्र के शिक्षक हैं, अगर उनको घर से 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर दूर पोस्टिंग कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में वो अपने माता पिता की देखरेख कैसे करेंगे। ठीक है, घर में पत्नी है तो आप ले सकते हैं, मकान ले सकते हैं, लेकिन परिवार के साथ रहने का मतलब पति पत्नी ही नहीं होता है, माता पिता भी होता है। तो आप माता पिता सबको लेकर जाना, वहां फ्लैट लेना, तो आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे इस जॉब में, तो काफी समस्या यहां पे देखने को मिल सकती है। तो आप यहां भी देख सकते हैं कितनी समस्या होगी। 40 से अधिक उम्र के शिक्षकों को ब्लॉक का विकल्प मिलेगा, तो मैंने यह भी कहा कि 40 से अधिक उम्र के शिक्षकों को ब्लॉक के विकल्प की बात तो नहीं की गई है, लेकिन कही गई है कि 40 से अधिक उम्र के शिक्षकों को जिला मुख्यालय में ही प्रयास किया जाएगा कि उनको घर से नजदीक किया जाए, मतलब इनके लिए एक रास्ता विकल्प खुला हुआ है कि इनको नजदीक के विद्यालयों में समंजित किया जाएगा, पोस्टिंग किया जाएगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग, दिव्यांग एवं असाध रोग से पीड़ित, दिव्यांग एवं असाध रोग से पीड़ित को ब्लॉक का विकल्प मिलेगा, ब्लॉक का विकल्प मिलेगा या विद्यालय का विकल्प मिलेगा। तो अभी तक जो चर्चाएं हैं उसके हिसाब से तो ब्लॉक का ही विकल्प है, लेकिन हमें लगता है कि जिस हिसाब से महिलाओं को विद्यालय का विकल्प मिलता है तो इनको भी विद्यालय का विकल्प मिलना चाहिए। हमें लगता है फाइनल रिपोर्ट आने तक ये भी सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी। अब नेक्स्ट प्रश्न आया कि पति पत्नी को एक ही ब्लॉक मिलेगा या एक ही पंचायत या एक ही विद्यालय, तो एक ही विद्यालय तो नहीं मिलेगा क्योंकि स्पष्ट कर दिया गया है कि पति के विद्यालय को छोड़कर, अब है कि एक ही ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है और एक ही पंचायत का ऑप्शन आ रहा है। अब चूंकि उनसे मांगा जा रहा है 2 ब्लॉक और 8 स्कूल का ऑप्शन मांगा जा रहा है, और वर्तमान में जिस ब्लॉक में पोस्टेड है उसको छोड़कर भी मांगा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि एक ही ब्लॉक ना मिले, या अगर पति पत्नी है तो एक ही पंचायत में भी दे सकता है। तो यहां पे थोड़ा सा कंट्राडिक्शन रहेगा, वो फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही, लेकिन कुल